पश्चिमी वेनेजुएला के कैटाटुम्बो नदी के ऊपर लगातार एक ऐसा तूफान आता रहता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये तूफान हर रात करीब 7 बजे शुरू हो जाता है और सुबह 5 बजे तक यानी लगातार 10 घंटों तक बना रहता है। इस दौरान यहाँ के आसमान में हर समय बिजलियाँ चमकती रहती हैं, इसलिए इसे बिजलियों का तूफान भी कहा जाता है। इस बारे में पहले वैज्ञानिकों का मत था कि यहाँ के पत्थरों में यूरेनियम बड़ी मात्रा में मौजूद है जो हर रात आने वाले इस तूफान की वजह बनते हैं, लेकिन अब एक नई थ्योरी के अनुसार ये तूफान वहाँ मौजूद पर्वतों की अजीब संरचना की वजह से आता है। पर्वतों से निकलने वाली गर्म हवाएं समुद्र से बहने वाली ठंडी और नम हवाओं से टकराकर इस तूफान को जन्म देती हैं। कमाल की बात तो ये है कि सन 2010 में तूफान अचानक से थम गया था। शोधकर्ताओं को लगने लगा था कि तूफान का अंत अब हो गया है और ये फिर से कभी नहीं आएगा, लेकिन करीब 1.5 महीने बाद ही ये अचानक फिर से शुरू हो गया और तब से लेकर आज तक लगातार बना हुआ है।